day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. गुड आफ्टरनून जैसी कृष्णा, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो सब आप? हम एकदम मस्त बढ़िया, और बस जॉब से निकल गए हैं और व्लॉग का आज में मैं स्टार्ट कर रही हूँ कार से। ये देखिए दोनों, तो बस जॉब से डायरेक्ट जा रहे हैं कॉस्को में, क्योंकि घर से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा। फिर इससे अच्छा यहाँ से हाफ वे होता है, तो फिर सोचा कि चलो यहाँ से डायरेक्ट ही चले जाए। बस गैस फिल करना है और थोड़ा बहुत काम है, और मेरी एक मेडिसिन भी लेनी है कॉस्को से, तो वो सब कर लेंगे बस। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सुबह से ऐसा ऐसा चल रहा है, पता नहीं थक की वजह से यार क्या है, पर ऐसा है। तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है। दिवाली का तो सब कुछ हो गया है, तो वो एक टेंशन गया है ना। कपड़े देखने पड़ेंगे। हाँ, अभी वो सब भी चेक करना पड़ेगा। हाँ यार, तो क्या मेरा नवरात्रि में क्या सोचा था और क्या हुआ, और क्या पहना, क्या पहना? तो क्या चनिया चोली जरक लाए थे वहाँ से एक, तो वो जब ट्राई किया तो फिट ही नहीं हुआ है ना। okay. और फिर जो लास्ट ईयर की थी वही पहननी पड़ी वापस मुझे, और हम कुछ अजीब से लग रहे है ना, पर क्या करें, ऐसे जॉब से डायरेक्ट आ गए है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा ही। तो बस ऐसा हुआ था नवरात्रि के टाइम का मेरा, तो देखते हैं अभी दिवाली पर जो जनक लाए हैं ड्रेस वो कैसा रहता है, वो भी अभी से ट्राई कर लूँगी, अदरवाइज वो भी फिर कुछ ऐसा ही पहनना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, इसलिए देखूँगी है ना, वो भी देख ही लेंगे अगर टाइम मिला तो। हाँ, और अभी तो हम वो जो समोसा लेकर आए हैं ना, बॉक्स बहुत सारे ले आए हैं, तो वो बहुत शांति है हमें। उस दिन भी तीन बॉक्स ले आए, क्योंकि जब भी हम रगड़ा सेव सड बनाते हैं ना, तो एक मिनट, जब भी हम सेव सड बनाते हैं ना, तो समोसा दो तीन फ्राई कर लेते हैं, तो वो चाट जैसा बन जाता है रगड़ा, समोसा चाट हमारा, इसलिए ऐसा करता, तो उससे पेट भी थोड़ा फुल हो जाता है, इसलिए समोसा के बॉक्स ले आए हैं बहुत सारे। चलिए देखते हैं अभी घर जाके क्या करेंगे, आज तो कुछ प्लान नहीं सोचा है हमने क्या बनाना है, वो अभी कार में है ना, अभी कार में सोचना पड़ेगा क्या बनाना है रात को। पर थक गए थे ना कुछ। हाँ, पर आज मुझे लग रहा है कि आराम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज है ना बीमार होने, ऐसा ना हो कि दिवाली आए बीमार हो जाओ। इसीलिए तो बस कॉस्को जा रहे हैं, और वेदर अच्छा है ऐसे तो, ये वीक शायद पूरा अच्छा ही जाने वाला है। नेक्स्ट वीक से वापस हार्ड लगेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ठंड दिखा रही है। तो बस वही है, जा रहे हैं कॉस्को में, और आज देखते हैं, प्लान सोचा है घर जाके सूप पियेंगे है ना, और दही वड़े के पैकेट हो गए ना, मैं देख लूँगी घर जाकर आज अगर होगा ना, तो मैंने सोचा है कि वो यूज़ कर लूँ अभी, क्योंकि फिर विंटर में दही खाना अच्छा, मतलब ठंडा एटमोसफियर के लिए, जैसे दही भी ठंडा होता है ना, इसलिए सोचा है ना, सर्दी होता है। हाँ, दही देख लेंगे अगर हो मिला ना, सॉरी दही वड़े का पैकेट मिला ना, तो वो बना देंगे। हाँ ठीक, ऐसा कुछ करेंगे, ठंडो मानने में जा रहे। हाँ, क्योंकि दही भी ठंडा होता है, इसलिए बस जनक का मुँह देखिए आप, सूरज दादा डायरेक्ट सामने ही फोकस मार रहे हैं, सूरज दादा तो सिग्नल भी नहीं दिख रहा। हमने सोचा भी था कि तुलसी का वो छोड़ लाएंगे और वो करेंगे घर पर लग नहीं रहा कि अभी विंटर में, तो फिर ऐसे भी घर के अंदर ही रखना पड़ता है। हमारा फुदीना तो फाइनली मर गया, तो हाँ तुलसी को ऐसा नहीं करना है, तो फिर देखते हैं अभी नेक्स्ट ईयर शायद समर में कुछ कर पाए, तो अभी कुछ ट्राई नहीं करना है ऐसा सब है ना। बहुत नींद आ रही है, चलो इसको बोलो सिग्नल करे, वरना यहीं पे सो जाऊंगा। आप मेरे जैसा मत करना, एक बार मैं सो गई थी वैसे सिग्नल पे। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सिग्नल पे सोचा, ऐसे सिग्नल था तो थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे करके ऐसा आंख बंद करूं,
तो सो ही गई थी मैं, फिर पीछे से किसी ने हॉर्न मारा तब जाके आँख खुली। ऐसा होता है कभी कभी। तो चले चलते हैं कॉस्को, फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ कुछ अच्छा सा होगा। तो फ्रेंड्स बस ये कॉस्को लिडल सब कुछ ख़त्म कर लिया, ले लिया टमाटर लेना था, बहुत कुछ लिया है आज। डोरिटोज ली है हमने रेड वाली, है ना? Yes. वो थोड़ी स्पाइसी आती है वो रैंच वाली से, पर ले लिया अभी वो खाएंगे, क्योंकि हम जो लास्ट टाइम सालसा लाए थे ना वो थोड़े स्वीट आ गए हैं, है ना? तो उसके साथ थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगेगी, इसलिए वो ट्राई करेंगे इस बार इसके साथ। तो बस, और ये देखिए शाम के बजे है 5 और एटमॉस्फेयर अच्छा है, काफी अच्छा है आज तो, रात जैसा हो गया है। वो तो अभी जैसे जैसे मंथ जाएंगे ना उतना जल्दी अंधेरा होगा। तो बस अभी जॉब से तो निकल आए थे पर अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं हम, घर जाएंगे उसके बाद ही आराम मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया है खाने का, डिनर में आज 2 ऑप्शन रखा है, एक रखा है पास्ता और एक रखा है पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए फ्लावर भी है और ब्रेड ले ली है, और पास्ता के लिए ब्रोकली भी ले ली है, और पास्ता भी एक बॉक्स ले ली है। घर पे आइडिया नहीं है, है कि नहीं, आधा पैकेट है पर आइडिया नहीं है, तो वो भी ले लिया है। अभी घर पे जाके देखते हैं क्या मूड होता है, खाने का भी होता है कि नहीं वो पता नहीं। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर करेंगे, इसलिए देखते हैं अभी क्या बना है, है ना? यस, क्योंकि दोनों छुट्टी में इतने थक गए हैं कि अभी तक थक उतरा ही नहीं है, और मुझे तो अभी भी वो फीवर जैसा फील हो रहा है। तो पता नहीं, और आंखें बहुत भारी है, नींद पूरी नहीं हुई। तो वो दिखाओ थोड़ा, अभी रेड हो गया, ये सब रेड हो गए। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर मस्त सब रेड रेड कलर का हो गया है। अभी सब पत्ते निकल जाएंगे, सिर्फ लकड़ियां बच जाएगी। फिर ये देखिए, और शाम का टाइम है तो शायद हमें ट्रैफिक लगेगा रोड पर ये टाइम पे। तो देखिए फ्रेंड्स, वापस ये शुरू हो गई है यहाँ पर रोड पर, बहुत सारी है आज तो। ये देखिए, तो जो धीमे धीमे ले लो, ये देखिए बहुत सारी है, माय गॉड है, कितनी बती है, पूरा रोड भर के बैठी है वो। तो फ्रेंड्स, बस घर आके थोड़ा फ्रेश हुए और थोड़ा नाश्ता किया, और बहुत थक गए थे तो थोड़ा शांति से नाश्ता किया, और अभी पास्ता बना रहे हैं। कुछ ज़्यादा खाना नहीं है क्योंकि नाश्ते में ही पेट भर दिया हमने, और थकान की वजह से वो कल का थक है ना आज निकल रहा है हम दोनों का, पर कोई नहीं, आज थोड़ा जल्दी सो जाएंगे तो रिकवर हो जाएगा, है ना? और पूरी की हालत कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गई है, तो बोल भी नहीं पा रहे। तो चलो अभी थोड़ा, तो फाइनली पर हमारा डिनर रेडी हुआ, डिनर हुआ है। हम डिसाइड क्या क्या कर रहे थे, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, और फिर फाइनली पास्ता पास्ता एक पैकेट ले भी आए थे, क्योंकि घर पे था कि नहीं था वो पता ही नहीं, पर घर पे था। ऐसे तो हम स्टॉक रखते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा स्टॉक रखते ही है, क्योंकि पता है कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी दिवाली का वो मठिया चौड़ा खड़ी आज खाया थोड़ा शांति से, तो बहुत अच्छा लगा। खड़खड़िया भी बहुत मस्त बने हैं, बहुत वो कल थोड़े गर्म गर्म थे ना, तो वो थोड़ा इतना आइडिया नहीं है, आज एकदम मस्त ठंडे, और थोड़े से थिकनेस थोड़ी है, पर टेस्ट
अच्छा टेस्ट बेस्ट है, मज़ा आ गया। आप पूरे ये मास्टर हो, सब में मास्टर है भाई, मास्टर एकदम। सीख लिया धीरे धीरे, सीख लिया, हाँ सब कुछ सीख लिया, जैसे मैंने धीरे धीरे सीखा, इन्होंने मुझे और सिखा दिया, और ये भी खुद सीख रही है, तो हम ऐसे ही सीखते हैं। और यूट्यूब तो सब सिखा देता है। तो चलो फिर, अभी हम भी थोड़ी देर में खा के फिर आराम ही करेंगे। तो आज का व्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग कैसे दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। और मेन अपना ध्यान रखें, क्योंकि फेस्टिवल में बीमार नहीं होना है, हमें एंजॉय करना है। इसलिए मैंने पूर्वी को भी बोला आज कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना, आराम करना है, इसलिए ये जल्दी जल्दी से बना दिया और भी आराम करेंगे। तो चलो बाय, मिलेंगे वापस ऐसे ही, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।